वेलकम और स्वागत है आप सभी का हमारे ब्रांड न्यू गलत सीन से भरी पड़ी पबजी द मोबाइल की स्क्रिम्स कास्टिंग में। और हम यहाँ आज कास्ट करने वाले हैं फाइव आर के टी थ्री कस्टम्स और मीरा मार के। इस मैच में बंदे आ चुके हैं अभी तक 26। सो गाइस स्ट्रीम पे जो भी है जल्द बताएं, मेरी आवाज़ आ रही है? नहीं, स्टार्ट नहीं हुआ भाई। ब्रो टाइम लगेगा। अंश टेम्बलुरकर स्ट्रीम स्नाइपर से ब्रो ऐसा मत कीजिए, स्ट्रीम डिले करना ब्रो, बिल्कुल 5 सेकंड डिले तो होती ही है। स्ट्रीम स्नाइपर बोलते ब्रो ऐसे नहीं करते यार। कार्तिक शर्मा हेलो हेलो भाई। सो गाइस मीरा मार के इस मैच को हम करने जा रहे हैं कास्ट। और ब्रो स्ट्रीमिंग क्वालिटी कैसी है मुझे जल्द बताइए। स्ट्रीम पे जो भी है स्ट्रीमिंग क्वालिटी कैसी है बताइए मुझे, मतलब वीडियो क्वालिटी कैसी आ रही है? ये जो भी एक जन देख रहा है स्ट्रीम जल्द बताएं। हाय विशेष ध्रुव, कार्तिक शर्मा हेलो भाई। ध्रुव वीडियो क्वालिटी कैसी है स्ट्रीम में देख तो। हेलो सर, आप ओमेगा गेमिंग YT हो क्या? बिल्कुल भी नहीं ब्रो, आई एम ऑलवेज विशेष गेमिंग। अच्छी क्वालिटी हे सर। हाय हाय सीता भारद्वाज। साला कमेंट इतने अलग अलग अकाउंट से आ रहे हैं और वॉचिंग बस 3 की 5 की हुई है, मतलब क्या सीन है? ये एक ही बंदा अलग अलग अकाउंट बना रहा है क्या? कौन है ये स्कैमर? वाहिद सिंह राजपूत थम्स अप टेस्ट द थंडर। डेडिकेटेड पर्सन आईडी पास के लिए ब्रो डिस्क्रिप्शन में दी गई है अपने इनके फाइव रेड के डिस्कॉर्ड सर्वर की लिंक। आप डिस्कॉर्ड पे जाइए, वहाँ पे प्रॉपरली रजिस्टर करिए और रोज पेट भर के सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक, रात से लेके सुबह तक कस्टम्स खेलते रहिए। हेलो सर, आर एमुलेटर्स अलाउड? बिल्कुल भी नहीं, एमुलेटर्स आर नॉट अलाउड। थंबनेल हमारा अपना मोहित सिंह राजपूत के द्वारा बनाया गया है। डेड आई नूब स्लोट 22। क्या बात कर दी ब्रो, डेड आई ओपी, वुल्फ ओपी, लेजिट ओपी, XD विनम। ब्रो कतई नूब तो नहीं दिखाई पड़ रहा हो। सो गाइस अगर आप भी ये मजेदार से डेली कस्टम्स खेलना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई डिस्कॉर्ड लिंक को ज्वाइन कीजिए और रोज रजिस्टर करके खेलिए पेट भर कर। थंबनेल नहीं दिख रहा, क्या बात कर दी, थंबनेल दिख ही नहीं रहा है। आर्ट वॉचिंग सर जी, ओ हो ओपी आर्ट वॉचिंग गाइस। 6 हो गई, हमारी ही नजर लग गई लगता है। आई थिंक आई एम लूजिंग माय माइंड। 4:15 थी, अरे कोई बात नहीं। भाई ब्रो चार्ज नहीं, ब्रो चार्जिंग पे लगा लीजिए फोन। भाई स्ट्रीम स्टार्ट कब होगी? हेल ब्रो, ब्रो स्ट्रीम स्टार्ट हो चुकी है, मैच कब स्टार्ट होगा ये पूछें आप तो बेहतर होगा। मैच स्टार्ट हो जाएगा, कभी भी हो सकता है अभी पलक झपकते ही, चंद मिनटों में।
थिंक आई एम लूजिंग माय माइंड। सर प्लीज सेड नो वन टाइम टीम TSX। ब्रो ऐसे नहीं बोलते हैं सीता भारद्वाज जी, ऐसे शब्द आपको शोभा नहीं देते। ऐसे किसी टीम को हम कैसे कह सकते हैं, भले वो हो पर हम क्यों कहें उन्हें ऐसा। हमें कोई अधिकार नहीं है उन्हें ऐसा बोलने। मोड बना चल, क्यों बनाए भाई ऐसा कैसे। रेगुलर स्ट्रीम पे आओ, बना दिया जाएगा। ऐसे ही मजे में भाई, प्रो ऐसे मजे में कोई काम नहीं किए जाते हैं। सुनीता वर्मा, ये पबजी वाला है क्या? बिल्कुल ये पबजी वाला ही है भाई। न जाने क्यों लोगों को अलग अलग अकाउंट बनाने में मजे आते हैं यार। तो गाइस इसी के साथ मैच हो चुका है मीरा मार का स्टार्ट। TSX, ओहो BBX ज़ॉम्बी। हे सर कैन आई कम इन स्लॉट ऑफ स्पेक्टेट प्लीज। यहाँ पर तो मैच स्टार्ट हो चुका है, अब तो क्या ही कर सकते हैं आप। प्रो TSX के आप दुश्मन हैं क्या BBX? व्हाट इज दिस टॉक्सिसिटी। सो गाइस 51 जाना है मीरा मार के इस मैच में। और ये देखिए सेब को ऐसे फेंक रहे हैं जैसे कि 12 के भाव में मिले हो लंबड़े। भाई आप और कुछ कहना चाहते थे? मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते थे। सो गाइस ये देखिए सतरंगी कलर के यहाँ पर बंदे नीचे घूम रहे हैं और हम आसमान की ऊंचाइयों में चारों तरफ बंदे ही बंदे। और यहाँ पर प्रिजन में हैं हम। अश्लील है लौंडा ब्रो, आप ये अश्लील है और आप मीमर है, मैं आपको सूंघ सकता हूं। सो गाइस इसी के साथ प्लेन पाथ की अगर बात करें, ब्रह्मा हियर। ब्रो आप HP क्यों नहीं कर रहे 3 PM? ब्रो आज कुछ काम था इस कारण नहीं हो पाया, बाकी 4 और 5 किया था मैंने वेंकट ब्रो। अरे सर जी इतनी इज्जत दे दी आपने। ओहो हो ब्रो, एक मीमर दूसरे मीमर को इज्जत दे सकता है। तो यहाँ पर टीम प्लेन पाथ की बात करें तो भाई नाम ही नहीं है इस जगह का। उस जगह से शुरू होके दूसरी जगह पे हो रहा खत्म। या ब्रो आप तो आए थे, याद है मुझे, ट्रू सपोर्टर। तो यहाँ पर पेरिसियो तरफ जा रही है टीम नंबर 4, टीम नंबर 22। तो यहाँ पर लगता है स्पोन आइलैंड पे इनका कुछ रह गया, वापस लेने जा रहे हैं वहीं पे। फाइव रेड का एक लाइनअप चुम्मा शेरा तरफ जा रहा है, जय शेरा वालिदा। और टीम नंबर 1 के OR कुश, OR OR भाई ब्रह्मा भाई पहचाना क्रिप्टो। ओहो यहाँ पर लोग पहचान वाले मिल रहे हैं मुझे लगता है, क्रिप्टो और ब्रह्मा। और टीम नंबर 8, टीम नंबर 9 और टीम नंबर 1 साथ में जा रही है पिकाडो तरफ। तो पिकाडो में भसड़ देखने को मिल सकती है। जी हाँ पिकाडो हमेशा से हाईलाइटेड रहती है जगह। उसके अलावा
टीम नंबर 10 और टीम नंबर 11 और 18 ये भी साथ में निकल लिए हैं। टीम नंबर 23, 14, 17 भी साथ में वाटर ट्रीटमेंट तरफ निकल लिए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले पिकाडो में आप देखिए, यहाँ पर झूला झूले लाल दम मस्त कलंदर पैराशूट में घूम रहे हैं। और वीडियो क्वालिटी कैसी है स्ट्रीम पे बताना मुझे ज़रूर, क्योंकि तो मुझे नेटवर्क इशू लग रहा है यहाँ पर। सो गाइस ये फाइव स्टोरी यहाँ पर पकड़ लिया गया है इनके द्वारा, नहीं, अरीना इनके द्वारा पकड़ लिया गया है, माफ़ कीजिएगा। जिंदाबाद, यहाँ पर बीबीएक्स को लगता है टीएसएक्स के बंदों ने जल्द ही खरीद लिया है बिल्कुल फुर्ती के साथ, तो जिंदाबाद के नारे लगा रहे हो। वहीं ओ आर खुश अकेले पिकाडो आए हैं, टीम नंबर 6 का एक अकेला बंदा, टीम नंबर 9 का अकेला बंदा। तो यहाँ पर चार टीम्स आ चुकी है पिकाडो टीएसएक्स, और टीएसएक्स है किधर भाई? और इधर पैडी ब्रो एकदम बढ़िया से लूट कर रहे हैं अकेले, वाटर ट्रीटमेंट साइट टीम नंबर 17 इनसे थोड़े दूर है। मैं टीम नंबर 8 और टीम नंबर 9 अकेले बंदे खेल रहे हैं सोलो सा स्क्वाड, और ये आए हैं पिकाडो। जी हाँ, गर्मा गर्म जगह मेरा मार की एकदम टीएसएक्स चादर मोत। भाई ये तो लगता है भाई एक ही अकाउंट है, डेडिकेटेड पर्सन बीबीएक्स सीता भारद्वाज सब एक ही है। और ये देखिए उड़ते हुए ग्रेनेड जाते हुए, पर कद्दू कोई फर्क नहीं पड़ा हूं उस ग्रेनेड से, बिल्कुल बढ़िया स्कीम है ब्रो। सारे अकाउंट से सब्सक्राइब मार दो ब्रो, शो सम सपोर्ट। और टीम नंबर 1 के ओआर कुछ अकेले लेटे हैं यहाँ पर। वहीं रशर माउंट ने आरडीएक्स के बंदे को कर दिया है डाउन, दोनों में से कोई मिल जाए अपने तो काम बन जाएगा। तो गाइज यहाँ पर टीम नंबर 10 की लगता है फाइट हो गई है। टीम नंबर 10 तो यहाँ पर पैदल भग रहे हैं इधर उधर, टीम नंबर 11 के ड्रॉप पे गए थे वो लगता है, तो उन्होंने भगा दिया। भाई सब कर रहा आपको क्योंकि आप लोभ हो हमारे EXDI, ऐसा क्या बोल रहे हो? थैंक्स फॉर द लॉब एंड सपोर्ट। तो टीम नंबर 4 के बंदों को आगे एक बार देखिए भाई कितने स्प्रेड है, और यहाँ पर लॉस है उस तरफ आ गई टीम नंबर 22। भाई इतने दूर क्यों गए भाई, मतलब क्या ये व्हाट इज दिस बिहेवियर ब्रो? टीम नंबर 18 का बंदा क्या यहाँ पर थोड़ी बहुत छोटी मोटी फाइट ले सकता है? ये जो अकेला हंटर, पढ़ाई लिखाई करें, IAS YAS बनो और देश को संभालो, पर नहीं, इन्हें तो जुनूने काट रहे हैं ये बग्गी लेने। हंटर ब्रो कितने दूर आ गए थे भाई अपने टीममेट्स के, मतलब देखे कितने। और टीम नंबर 11 और टीम नंबर 10 की लगता है फाइट हो गई है, बिल्कुल उन्हीं की फाइट है शायद। जी हाँ, तो एक और बंदा यहाँ पर शहीद हो चुका है टीम नंबर। भाई नेक्स्ट मैच रजिस्टर कहाँ से करें? प्रो रजिस्टर सुबह होता है, अभी नहीं होगा, मैंने डिस्कॉर्ड सर्वर की लिंक दे दी है। टीम नंबर 10 का बंदा यहाँ पर, ये देखिए इनकी गाड़ी को एकदम निस्तरा नाबूद करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके सिर पर हेलमेट नहीं है फिर भी इनकी M4 में काफ़ी धार है बिल्कुल, और सामने वाले के पास N94 है। तो यहाँ पर क्या डाउन किया, ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था उस बंदे को। डिस्क्रिप्शन में डिस्कॉर्ड सर्वर की लिंक है, उस वहाँ से डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कीजिए, और वहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कैसे आप इनके स्ट्रिंग खेल डस दिया। तो प्रो अभी कंपनी यहाँ पर भरड़, जी हाँ भरड़ भरड़ करके जो चलती है M16 4A चला रहे हैं बिल्कुल। और ये देखिए पटर पटर, मैं नहीं हूँ ऐसा क्या? और दोनों बंदों के पास हेलमेट नहीं है, और ओआर कुछ जो अकेले गए हैं बिल्कुल, यहाँ पर एक नॉक फिनिश दे चुके हैं बिल्कुल इस अकेले बंदे ने। भाई ने किल निकाल लिया, भाई मैं नहीं आया ब्रो, कुछ अच्छा बोलो, मजा नहीं आया? ओ ब्रो कोई बात नहीं ब्रो, जल्द ही आएगा, बस बने रहिए हमारे साथ। तो और कुछ अकेले अकेला जाना क्या बाहर झुकेगा, यहाँ अलकायदा से ट्रेनिंग लेके आए हैं डिवाइन ब्रो ने जो ग्रेनेड डाला, भाई कतई निस्तरा नाबूद कर दिया, खत्म कर दिया खुश को, पर अकेले बंदे ने एक किल तो निकाल लिया था। तो अब सिर्फ टीम नंबर 9 का वो जो अकेला जाना यहाँ बाहर झोंकने आया है, उसे सामना करना है टीम नंबर 2 के 3 बंदों से। तो टीम नंबर 11 के बंदों की गाड़ी पे जो हमला हुआ था, प्रहार हुआ था टीम नंबर 10 के 2 बंदों के द्वारा, जिनके सिर पर हेलमेट है, हेलमेट जैसे कोई चीज है नहीं, हम सब TSX से हैं, ऐसा क्या ब्रो? बहुत मजा आ रहा है भाई ब्रो, ऐसा क्या? TSX कौन से नंबर की टीम है ब्रो? TSX अपनी मिल जा रहे, TSX ब्रो मिलते ही नहीं है, बस थोड़ी मटका दो आप क्या
स्वैग आ जाएगा ब्रो, फेस कैम थोड़ी चल रहा है। और ये कैसी चीज़ें मटकाते रहते हो तुम, ऐसी चीज़ें मटका के मजे आते हैं तुम्हें ऐसा? भाई TSX की टीम नंबर 14 है, उधर टीम नंबर 10 के बंदों पे पड़ने लगी है। जी हाँ, इनकी लाल कर दी गई है, जल्द इनकी कमर, ये अपने घुटनों पे आ जाएंगे, कमर इनकी झुक जाएगी। जी हाँ, इनके बंदे की कुछ झुक चुकी है। TSX OP, TSX के बंदे फाइट तो ले, उन्हें भी दिखा देंगे हम। तो टीम नंबर 11 के चार बंदे भूखे कुत्तों की तरफ चढ़ते हुए टीम नंबर 10 के बंदों के ऊपर। ब्रो ब्रो व्हाट्सअप, BRD ब्रो व्हाट्सअप। उधर INF के राघव ने निकाल लिया है एक नॉक, बिल्कुल INF INF INF। TSX को दिखाओ, बिल्कुल दिखाया जाएगा। स्ट्रीम बंद करो, जोनाथन लाइव है। क्या बात कर दी ब्रो। उधर INF के बंदों ने यहाँ पर 3 किल निकाल लिए है, बिल्कुल। TSX OP बोलते ऐसा क्या? TSX के बंदे भाई ऑर्डर ड्रॉप लिया करो, थोड़ी फाइट लिया करो भाई। तुम्हारी ऑडियंस यहाँ पर, दर्शक दीवाने हो रहे हैं तुम्हारे। TSX क्लच गोट को दिखाओ, TSX क्लच गोट की तरफ अगर हम चले। इधर टीम नंबर 17 के बंदे ने टीम नंबर, क्या करोगे TSX को देख के ब्रो, उनका अलग फैंटेसी है। यहाँ पर टीम नंबर 23 का बंदा, क्या वो बंदा इन्हें मारेगा या फिर मर जाएगा? क्रिप्टो भाई सब ओपी, कैंपर है मेरे दोस्त। ऐसा क्या ब्रो, कैंपिंग? TXX मर गए लोल। ओ ब्रो यार, टीम नंबर 14 यहाँ पर खत्म हो चुकी है। और टीम नंबर 23 के इस बंदे के ऊपर एकदम प्रहार किया है टीम नंबर 17 के बंदों ने, पर उनका थोड़ा सा क्या स्प्रे चॉक कर गया तो वो थोड़ा रह गए। टीम नंबर 10 का बंदा कहीं से कोई रोटेशन मार रहा है क्या? वहीं टीम नंबर 23 के बंदे, क्या ये रश झेल पाएंगे? सेट लाइफ भाई, काफी ज्यादा स्प्रेड है यार, प्रॉपरली साथ में नहीं खेल रहे हैं बंदे, एकदम रूखा सूखा गेम टाइप चल रहा है। और इधर IND के हॉर्नी, टीम नंबर 17 के बंदों के काफ़ी पास है। टीम नंबर 17 के बंदे इधर उधर गोलियां मार रहे हैं, ग्रेनेड ग्रेनेड भी डाल रहे हैं, पर कद्दू कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उन ग्रेनेड से। आप जाइए थोड़ी ट्रेनिंग लेके आइए अलकायदा वालों से। तो यहाँ पर हॉर्नी के ऊपर चढ़ते हुए, जी हाँ, सारे के सारे बंदे बिल्कुल ऑल डेड। और यहाँ पर टीम नंबर 23 का ये जो अकेला बंदा यहाँ पर है भाई, एक नॉक निकाल चुका है, प्रोन हुआ है, खड़ा हुआ, पर उसको उसके घुटनों पर ला दिया गया है। जी हाँ, अब उसकी कमर पर ओमनी जेल, क्या उसके टीममेट लगा पाएंगे? और यहाँ पर N3R के बंदे, क्या इनके ऊपर चढ़ेंगे, चढ़ाई की जाएगी? जी हाँ भाई भाई भाई, स्प्रे क्यों नहीं दिया भाई? और एक फिनिश दे चुके हैं। जी हाँ भाई यार, स्प्रे दे के खत्म करते ना, व्हाट इज दिस बिहेवियर ब्रो। फिर भी INF का एक ही बंदा बचा है, जी हाँ, लास्ट बंदा INF का। दो इंडिविजुअल किल है इस बंदे के, और क्या ये टीम नंबर 23 के बंदे इसे मार पाएंगे? मेरा मार का थोड़ा बड़ा भी है ना मैप, बिल्कुल ब्रो, मेरा मार का बड़ा है मैप। तो टीम नंबर 25 लगता है टीम नंबर 2 की तरफ बढ़ रही है। जी हाँ, जो पिकाडो में थे वो बंदे। ओके ब्रो भाई, अगली स्ट्रीम में मिलते हैं। जोनाथन की स्ट्रीम बंद हो जाएगी, ऐसा क्या ब्रो? जोनाथन को हमारा प्यार देना ब्रो, लव फ्रॉम विशियस गेमिंग बोल देना उसकी चैट में, सुपर चैट ही कर देना। टीम नंबर 10 के बंदे भाई किधर से किधर निकल लिए वो। सर्वर लैग, सर्वर लैग, सर्वर लैग हो गया गाइस, माफ कीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा सर्वर लैग हो गया। लेकिन इधर टीम नंबर 23 और टीम नंबर 17 की हो रही फाइट। टीम नंबर 17 का बंदा ब्लू जोन के उस पार, उधर से ये M4 4X लेके बैठे हैं टीम नंबर 23 के वुल्फ, क्या नाम है इनका, आगे आप पढ़ लीजिएगा, असुविधा के लिए खैर है भाई। यार ये सर्वर क्यों तकलीफ दे रहा है? टीम नंबर 18 की गाड़ी इधर से निकल रही है गाइस, स्ट्रीम पे मेरी आवाज आ रही है क्या ये वाली? और ये आड़ी तेड़ी फ्लेयर चला दी गई है। जी हाँ,
और यहाँ पर टीम नंबर 23 के बंदे को निस्तरा नाबूद कर दिया है टीम नंबर 18 के बंदों ने एकदम। उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी और भाई कहा कि आइए आपसे मिल लेते हैं हम। तो डीसी के बंदे बड़े फैला, क्या नाम है इनका, बैड फैलो लिखने की कोशिश कर रहे थे, बड़े फैला पढ़ना पड़ेगा हमें। सो गाइस अब थोड़ी फाइट होगी। जी हाँ आप देखिए, आप जैसे जैसे सर्कल श्रिंक होगा शिफ्ट लेगा वैसे वैसे जोन जोन की तरफ जाएंगी टीम्स। और अगर ड्रॉप की बात करें तो ड्रॉप में आ रही है कौन सी गन, कौन सी गन, MK14, MK14, जी हाँ। तो वो बड़े फेला जो थे बैट फेलो उनके तरफ हम टीम नंबर 18 के उस बंदे की तरफ वापस चलेंगे। तो बैट फेलो ने अभी अभी नॉक निकाला है। और इधर तो फिनिश विनिश मामले, उधर मोदी महा आगे समझ जाइए आप, उनकी कहीं तो भी चल रही है फाइट भाई। किधर है यार वो मोदी महा। तो गाइस टीम नंबर 19 और टीम नंबर 5 की चल रही है वाटर ट्रीटमेंट में थोड़ी सी फाइट। और इधर कमर झुकी हुई है टीम नंबर 5 के बंदों की, उनकी कमर पे लगाया जाएगा ओमनिजल ताकि वो दो पैरों से, चार पैरों, माफ कीजिए, घुटनों से अपने दोनों पैरों पे खड़े हो जाएं। लेकिन टीम नंबर 19 के बंदे ऐसा होने नहीं देंगे। लेकिन टीम नंबर 5 के बंदे एकदम उनके ऊपर चढ़ाई करते हुए, भाई फायर तो कर, सिर्फ उसके सामने क्राउच करके आगे बढ़ रहे हो यार, ऐसे थोड़ी चलेगा। और टीम नंबर 19 के बंदों ने कर दिया उनका खात्मा। वहीं टीम नंबर 25 की भी हो गई है लगता फाइट कोई सी। जी हाँ फाइट खत्म ही हो गई बिल्कुल। तो यहाँ पर फाइट हो चुकी है खत्म पिकाडो में फाइनली। द टीम नंबर 24 की फाइट हो सकती है टीम नंबर 7 के बंदों के साथ। ये मिनी 14 के टैप फाइट चल रहे हैं। वहीं फाइव रेड के बंदों की फाइट हो चुकी है किसी के साथ। फाइव रेड के बंदे किधर मिलेंगे हमें, फाइव रेड फाइव रेड फाइव रेड फाइव रेड, भाई मिल ही नहीं रहे। और उधर दे दिया है स्लैमिन, जी हाँ टीम नंबर 7 के बंद रिवाइव करने के लिए, रिवाइव करने के लिए पहुंच चुके हैं टीम नंबर 7 के बंदे। भाई डीमार चलाई जा रही है आदि ब्रो के द्वारा। और यहाँ पर टीम नंबर 18 भाई न जाने कब जाएंगे जोन की तरफ। तो डीसी के बंदों को तो ऐसे धोया जा रहा है जैसे सामने वाले बंदे मार्बल गए हैं, कोई जाति दुश्मनी है। टीम नंबर 11 के बंदे यहाँ पर रोटेशन मारना शुरू कर रहे हैं। विन 94 चलाई जा रही है इनके द्वारा। और वो देखिए उधर निकल चुके हैं वो काफी दूर। और ये टीम नंबर 7 की जो फाइट चल रही थी भाई, कोई अंजाम तक पहुंची नहीं पहुंची आपकी फाइट। और ये M24 3X चलाना पड़ रहा है यार भाई, ने कोई जाके स्कोप दो यार, गरीब की गरीबी मिटाओ थोड़ी। और टीम नंबर 20 के बंदों को देखिए, इनकी लगता है हो चुकी है आपस में ही थोड़ी कहा सुनी। और ये भाई थॉमसन कौन चला रहा है भाई, ये रशर के बंदे किधर है। और भाई भाई मारा भाई, अपने लिए मारा इन बंदों ने। टीम नंबर 24 के बंदों का खून अब खोला है भाई, गाड़ी उठा के रश मार दो यार, ऐसे नहीं चलेगा। 22 नहीं 24 को देखना है भाई। स्लैमिन देंगे लगता है, जी हाँ स्लैमिन देंगे अभी फाइनली। तो ये बग्गी पे होके सवार चले हैं दूल्हे यार। और यहाँ पर स्लैमिन हो चुका है टीम नंबर 7 के बंदे, कुछ अपने कमर पर झुका के बैठे हैं। और ये देखिए भाई मार, और भाई यार भाग यार, ऐसे कौन इंतजार भाई यार, रहने दो यार, ऐसे मत खेला करो तुम। और ये स्मोक डाल के अपने ही घर में कवर बनाएंगे। और ये पूरी तरीके से हावी होते हुए टीम नंबर 24 के बंदे एकदम कुत्ता बना के मार रहे हैं टीम नंबर 7 के बंदों को। स्मोक स्मोक डाल दिया है, अभी भी क्या रिवाइव दोगे ब्रो। भाई मारने का भी सही रखा है अपन ने, मार भी सकते हैं आप दूसरे बंदों को भाई। ये ग्रेनेड एनेड डाल रहे बिल्कुल। और रिवाइव बाजी चल रही है उधर FNX, जी हाँ। क्या ये इनका ग्रेनेड भाई, ये इधर ही ग्रेनेड डाल दिया भाई, नशे खत्म नहीं हो रहे इधर लोगों के, फुल नशेबाजी में गेम खेला जा रहा है भाई। क्या टीम नंबर 7 का खात्मा हम देख सकते हैं भाई, कर दो भाई, कोई कुछ कर ही नहीं रहे टीम 7 के बंदे। तो आपको बस जाके खात्मा करना है भाई, मौली की सूद नहीं मिल रही इनसे, निशाना नहीं लगा पा रहे मौली का। और ये टीम नंबर 7 का एक बंदा आखिर में बाहर आया था, उसे भी उसकी कमर झुका दी गई है बिल्कुल, कमर झुका दी गई, घुटनों पर है वो बंदा अब अपने। अब ये अकेला बंदा बचा है टीम नंबर 7 का भाई।
भाई स्मोक डाल डाल के इधर ही बैठा रहे तू तो मेरी तरफ से। क्या जरूरत फाइट लेने की, खत्म हो गया यहाँ पर टीम नंबर से नाबूद कर दिया भाई। फाइनली फाइनली ये फाइट खत्म हुई। सो गाइस टीम नंबर 22 के बंदों को आप देखिए भाई, कहाँ कोनों में ऐसा क्या है। और टीम नंबर 24 के बंदे यहाँ पर फाइट खत्म करके बैठे हैं। टीम नंबर 20 के बंदे तो कभी दाई सड़क, कभी भी बाई सड़क, कभी बीच सड़क पे। टीम नंबर 19 के बंदे आराम से इसी जोन की तरफ निकल रहे हैं। सुबह से ऐसा चल रहा है ये मैच एकदम इत्मीनान के साथ। अगली फाइट हमें कहाँ देखने को मिल सकती है, टीम नंबर 19 और टीम नंबर 21 के बीच शायद देखने को मिल जाए। तो इधर BSW के ऋतिक बैठे हैं आराम से। अरे सो वी आर बैक, बैक वी आर। तो गाइस अब हमें देखने को मिलनी चाहिए कुछ फाइट, और लगता है टीम नंबर 19 के बंदों की लाल कर दी गई है किसी वाला। टीम नंबर 19 की फाइट हो चुकी है शुरू, जल्द ये लोडिंग हट जाए स्क्रीन पर से, मैं टीम नंबर 19 की तरफ चलूं। भैया क्या बोल रहा है मुझे मैच, भाई ऐसा नहीं हो सकता यार, ऐसा मत करो मेरे साथ भाई, व्हाट इज। सो गाइज यहाँ पर टीम नंबर 19 के बंदों की किसी ने तो कर दी है लाल, और टीम नंबर 24 के बंदे इधर चढ़ेंगे धीरे धीरे, और ये बजा सकते हैं टीम नंबर 21 के बंदे को। जी हाँ बजा देना चाहिए, और डाइनो को देखेंगे हम टीम नंबर। भाई यार तुम तो बजा सकते हो इजीली। और यहाँ पर क्या मुझे M24 का प्रहार देखने को मिलेगा, जी नहीं कोई असर हुआ नहीं उससे सामने वाले बंदे को। और इधर बैट फेलो लेटे हुए हैं एकदम बफेलो की तरह, और यहाँ पर इस बड़े से सर्कल में 10 जन बचे हैं, और CNZ के बंदे ने अभी अभी एक नॉक निकाला है। CNZ के बंदों की अगर हम बात करें तो बात क्यों करें, मिल नहीं रहे वो हमें। टीम नंबर 20 के बंदे भाई कब से इनका रोटेशन पे ध्यान दीजिए आप एक बार बहुत, और इनके थोड़े बुलेट शेयर्स हो रही है। देखिए ब्रो टीम नंबर 22 के बंदे कहाँ से आए भाई, इधर से होते हुए इधर आए हैं। तो इधर लेजी टॉपिक की एकदम एचपी खत्म हो चुकी है, इन्हें जोन में जल्दी जाना चाहिए। टीम नंबर 20 के बंदा ये अगर एक बुलेट टच कर दे तो इनका खात्मा हो सकता है। तो यहाँ पर टीम नंबर 20 के बंदे यहाँ पर मुझे खत्म करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल टीम नंबर 20, मुझे लगता है टीम नंबर 22 का खात्मा जल्द कर देगी। टीम नंबर 22 का अब कोई भविष्य है नहीं यहाँ पर, और कुछ बंदे प्ले जोन से ढिल रहे हैं, तो कुछ बंदे किसी बंदे के द्वारा ढिलाए जा रहे हैं। और टीम नंबर 21 का ये जो अकेला बंदा है इसने फाइट लेनी शुरू कर दी है टीम नंबर 11 के बंदों, टीम नंबर 24 के बंदों के साथ। सो गाइस क्या ये इन बंदों को मारेगा, वही निश ओपी ने, डीसी के निश ओपी ने अभी अभी एक लगता है नॉक फिनिश दिया है।
और यहाँ पर गाड़ी लेके आगे बढ़ते हुए टीम नंबर 18 के बंदे, और कौन सी टीम है ये भाई, इधर टीम नंबर 20 के बंदे भाई। इनका रोटेशन आप एक बार देखिए भाई, एकदम किधर से किधर आए हैं। तो इनकी डीएमआर एकदम चलते हुए धार धार, और टीम नंबर 19 के कुछ बंदे अपने घुटनों पर हैं, बाकी इनके बाकी बंदे भी इधर रिवाइव दे रहे हैं, अपने टीममेट की कमर पर लगा रहे हैं। हमने चलो रे, स्मोक आया, ग्रेनेड देखने वाली बात है कि बिल्कुल स्मोक आया। अरे डाइनो ब्रो, मुझे मेरे सवाल का जवाब दो ब्रो, आप तो उधर पहुंचे तो पहुंचे कैसे? देन अच्छा इधर से ऐसे ऐसे तो ब्रो चढ़े रहो ना, उधर ही दिक्कत आ रही है। और उधर बच्चा ओपी ने निकाला है एक नॉक बहुत ही शानदार सा, ये देखिए अभी निकलते हुए आगे। और ये देखिए टीम नंबर 24 के बंदों के ऊपर जा रहा है इनका कातिलाना स्प्रे, क्या करेंगे? डाउन हो गया ऑलमोस्ट यार भाई, मार सकते थे। यू शुड हैव गॉन फॉर दी हेड। अल्ट्रोन को स्पॉट करने की कोशिश कर रहे हैं, अल्ट्रोन यहाँ पर कुछ बक्सों के पीछे। उधर रशर माउंट तो भाई जोन से ठिल गए, उन्हें दुश्मनों की क्या जरूरत, उन्हें तो जोन ही मारता है। और टीम नंबर 22 की हो चुकी है थोड़ी सी फाइट, लगता है खात्मा ही हो गया भाई, टीम नंबर 22 का तो खात्मा ही हो गया। और इधर टीम नंबर 24 के बंदे तो अलग अलग जगह पर चढ़ जाते हैं, कोई इधर ये चक्की पे चढ़ जाता है, टंकी पे, कोई कंटेनर पे चढ़ रहा है। नंबर एडवांटेज, हाई एडवांटेज, जोन एडवांटेज, सभी इन्हीं को लेना है। टीम नंबर 20 के बंदे ग्रेनेड ग्रेनेड स्मोक डाला है इन्होंने अपने लिए, अब जोन में जाने के लिए बनाएंगे रास्ता, अब इनकी राहें थोड़ी कठिन होगी। और इधर ये टीम नंबर 14 का बंदा ग्रेनेड को करके वापस जेब में रख लिया उसने, कि जरूरत नहीं है। और रशर अल्ट्रोन को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, रशर अल्ट्रोन अकेले बैठे हैं उस घर में भाई। वो बोल रहा है भाई मेरे को किधर नहीं जाना, मैं इधर ही बैठागा, इधर ही मर जाएगा, भले तुम लोगों के हाथों मरने का अपना कोई प्लान है नहीं। सो गाइस उसके अलावा टीम नंबर 19 के बंदे यहाँ पर टीम नंबर 24 के साथ ले सकते हैं फाइट। जी हाँ इनकी हो सकती है फाइट, और इनकी पूरी नज़र टीम नंबर 11 के उस बंदे पर भी पूरी पैनी नज़र है इनकी। डेथ ब्रो ने अपनी धारदार M7 से स्क्वार्टल को किया है डाउन, और ग्रेनेड भी डाल दिया है। क्या वो ग्रेनेड असरदार होगा? बिल्कुल होगा, खात्मा देख सकता हूँ मैं यहाँ पर टीम नंबर 24 के इस बंदे का। बिल्कुल खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय, खत्म गया। अब टीम नंबर 24 के बंदे 3 जन, और टीम नंबर 11 का बंदा वो जोन की तरफ आगे बढ़ते हुए। टीम नंबर 18 के बंदे का बेहतरीन हंटर का M4 3X का प्रदूषण, और किल इन्हें मिला नहीं मिला, लगता है मुझे इनका किल हो चुका है चोरी। जी हाँ अब इनका एक बंदा गाड़ी लेके भाग चुका है, उसने बहुत आवाज़ दी होगी भाई आजा आजा आजा, पर भाई आया नहीं, उसने कहा भाई मैं तो जा रहा हूँ, तू इधर ही मर मर। फाइनली टीम नंबर 24 के बंदे के द्वारा स्मोक डाल के बनाया गया है पाथ। टीम नंबर 20 का बंदा जोन में आने की कोशिश कर रहा है, 4 टीम्स बची है इतने बड़े सर्कल में। टीम नंबर 20 के बाकी बंदे किधर है भाई? जेस्टर ब्रो पहुंच चुके हैं पास में, अनिशा भी पहुंच चुकी हैं, लगा रहे हैं बैंडेजेस। लगता है टीम नंबर 24 का खात्मा इन्होंने किया है। जी नहीं अभी भी वो जिंदा है मार्केट में, अभी कवर बनाने की कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल, पर आपको जोन में जाना है क्या कद्दू? कुछ काम नहीं आने वाला है कवर, क्योंकि इधर से कौन ही मारेगा तुम्हें, तुम ही थे लास्ट में उधर से निकलने वाले। तो टीम नंबर 18 के बंदे कब तक आ जाएंगे जोन में भाई, देखने वाली बात रहेगी। फिलंग फ्लोंग मार के आ रहे हैं एकदम फुल सेफ, कोई रिस्क लेना ही नहीं है इनको इस बार। और एक ग्रेनेड ग्रेनेड डालने की कोशिश की गई है, और टीम नंबर 20 के बंदे तो गाड़ी वाड़ी लेके एकदम ये पड़ी, इनके थोड़े लाल कर दिए गए हैं बिल्कुल, अब ये हीलिंग करेंगे लगता है इधर। और हंटर ब्रो की टीम इन्हें मारेगी, ये देखिए हंटर ब्रो का एकदम कातिलाना स्प्रे, M4 3X का माफिया ब्रो अलग दिशा में देख रहे हैं, और बैड फेलो को अगर देखें तो ये मारेंगे भाई टीम नंबर 20 को, छोड़ेंगे नहीं, गाड़ी वाड़ी फोड़ दी उनकी। अब INF के डेथ के लिए जोन में जाना काफ़ी ईजी हो जाएगा, क्योंकि बाकी टीम बहुत अर्ली रोटेशन के चक्कर में आगे निकल चुकी है। बाकी टीम नंबर 24 के बंदे अभी भी स्मोक स्मोक डाल के एकदम तैनात बैठे हैं, कि कौन इनके चपेटे में आए और किसकी वाट ये लगाएं। और एफी के हंटर ने निकाल ही लिया आखिरकार नॉक, तो टीम नंबर 20 के बंदों के साथ भाई किसका नॉक निकाला? टीम नंबर 20 के तो सारे बंदे खड़े हैं, तो ये बैट फेलो की टीम की तरफ बढ़ते हुए। जी हाँ टीम नंबर 18 के ऊपर ये हावी होने की कोशिश करेंगे, यहाँ माफिया की कमर सीधी कर दी गई है, उनकी कमर में लगा दिया गया है ओमनीजल। अरे बैट फेलो यहाँ पर अपनी AKM रेड डॉट से टीम नंबर 19 के बंदों को मारने की कोशिश करें, अब टीम नंबर 20 के बंदे इनके ऊपर चढ़ते हुए यहाँ चढ़ चुके हैं।
टीम नंबर 18 के बंदों के ऊपर बेहतरीन अपनी AKM रेड डॉट से निकाल लिया उन्होंने नॉक। तो माफिया ब्रो की टीम को माफिया ब्रो बचा सकते हैं सिर्फ। इधर माफिया ब्रो ने निकाल दिया है एक डाउन। अनीशा क्या करती है देखने वाली बात रहेगी। इनके ऊपर आते हुए दूसरी साइड से कोई स्प्रे, जी हाँ टीम नंबर 24 का जेस्टर बचे हैं और क्या यहाँ पर, जी हाँ चलो एटलीस्ट इनका तो किल इन्हें मिलेगा। वहीं टीम नंबर 24 के आदि को अगर हम देखें तो इनके पास टीम नंबर 19 के साइको चढ़ते हुए और चढ़ ही गए, बिल्कुल सिर पे चढ़ गए, कान में मूत दिए और डेथ ब्रो घुटनों पर है अपने और ये फिनिश डाल देंगे। जी हाँ नगद व्यवहार, आज नगद कल उधार, कोई रिस्क लेना नहीं है। तीन जन अलाइव है, दो टीम के 3v2 की सिचुएशन क्या ही बोले, मतलब एक बंदा तो नॉक है। द डाइनो ब्रो अगर रख कर जाए सही टाइम पे कर ही रहे हैं, जो कि ग्रेनेड डाल दीजिए भाई एक प्यारा सा और आपको ये गेम मिल जाएगा आपके हाथों में। चार इंडिविजुअल किल है यहाँ पर डाइनो के, क्या यहाँ पर ये गेम डालते दिखेंगे मुझे डाइनो 2v1 करेंगे क्या ये? अब थोड़े पहले कलेक्ट कर रहे हैं मुझे लगता है क्रेडिट क्रेट से लोटोस, जी हाँ इनका लोटोस ग्रेनेड क्या कद्दू कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इससे। ये क्या है भाई, व्हाट इज दिस बिहेवियर ब्रो? और उधर सामने वाली टीम के द्वारा भी किए जा रहे हैं ग्रेनेड। यहाँ पर 1v2 की सिचुएशन है डाइनो ब्रो के ऊपर टीम 19 के बंदे चढ़ते हुए और इधर डाइनो ब्रो क्या नॉक निकालेंगे, क्या ये गेम निकाल सकते हैं? डाइनो ब्रो ने एक को डाउन कर दिया और डाइनो ब्रो के ऊपर दूसरे बंदे का आ रहा है, टीम नंबर 19 का बंदा क्या यहाँ पर करेगा यार? डाइनो ब्रो निकाल देंगे 1v2, देखने वाली बात है कि मुझे डाइनो ब्रो देखते हैं कौन निकालता है। तो यहाँ पर लेफ्ट राइट हो रहे हैं और भाई भाई लड़ो यार। तो यहाँ पर फाइको ने डाइनो को डाउन कर दिया, जी हाँ 1v2 नहीं कर पाए। तो इसी के साथ INF के टीम ने निकाल लिया है चिकन 6 किल के साथ, उसके अलावा 4-4-8-2-10 के साथ डाइनो ब्रो की टीम आई है सेकंड पोजीशन पर और थर्ड पे आई है SG की टीम। सो गाइस बहुत ही शानदार मैच यहाँ पर समाप्त होते हैं और अगर आप भी ये मैच खेलना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई डिस्कॉर्ड की लिंक से डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करें इनका और रोज खेल सकते हैं आप ये मैचेस। तो इसी के साथ हम आज की स्ट्रीम करते हैं एंड मिलते हैं अपने अगले स्ट्रीम में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।